बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुतल्लिक एक मैं इसे अच्छी न्यूज़ नहीं समझूंगा। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ओपन ही जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है यार ओपन ही रहेंगी, लेकिन इस ट्वीट के मुतल्लिक, इस पिक्चर के मुतल्लिक आपको बताना चाहता हूँ मैं। जो पाकिस्तान में मेरे भाई हैं, शायद वो अभी तक ये न्यूज़ में देख भी चुके हों। यहाँ पर आपको इस तरफ या इस तरफ मैं वो दिखा भी रखा हूँ। एयरवायर की तरफ से भाई ये ट्वीट की गई है, यानी कि उनकी तरफ से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि पाकिस्तान में इस न्यू वायरस का कराची में खातून में केस आ चुका है, यानी कि पाकिस्तान में एक केस रिकॉर्ड हो चुका है। हालांकि शोरगुल पहले भी था, लेकिन किसी भी कन्फर्म ज़राए से नहीं सामने आया था। अभी सोशल मीडिया के ऊपर ये बात आ चुकी है और ये कन्फर्म हो चुका है, ठीक है। अभी अगर बात करें फ्लैट्स को लेकर, तो पाकिस्तानी भाई पहले ही काम और छुट्टी को लेकर काफ़ी परेशान हैं। वो बढ़ नहीं रहे हैं, जल्दी से बढ़ें और हम सऊदी अरब में इंटर हों। क्यों भाई? क्योंकि सऊदी अरब कभी भी फ्लैट्स दोबारा से बंद कर सकता है। भाई अगर कोरोना वायरस की बात करें तो उसको लेकर अभी इंशाल्लाह तआला फ्लैट्स बंद नहीं होंगी। और अगर न्यू वायरस की बात करें तो न्यू वायरस के भी भाई जब तक पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा, खुदा न खवास्ता, काफ़ी ज़्यादा केस सामने आएंगे, उसके बाद ही सऊदी अरबिया उसके मतलब सोचेगा। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैट्स ओपन हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले, जैसे 31 जनवरी तक आपके इकामा वगैरह के मतलब ऐलान किया गया है, तो 31 जनवरी तक तो इंशाल्लाह तआला ज़रूर ओपन रहेंगी। हाँ, उसके बाद वायरस को देखते हुए कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है, वो एक अलग से मामला होगा।